स्वागत है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि टू रॉड्स विद द सेम डायमेंशंस हैव थर्मल कंडक्टिविटीज इन द रेशियो 1:2। दे आर अरेंज्ड बिटवीन हीट रिजर्वर्स विद द सेम टेम्परेचर डिफरेंस इन द टू कॉन्फिग्रेशंस ए एंड बी। द रेट ऑफ हीट फ्लो इन ए एंड बी इज आई ए एंड आई बी। व्हाट इज द रेशियो ऑफ आई ए एंड आई बी। पहला जो कंडीशन तुम देख रहे हो, यहाँ पे पहला जो कंडीशन है उसमें सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रॉड्स है, और सेकंड वाले कंडीशन में पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड्स है। जैसा कि करंट, इलेक्ट्रिक करंट में हमने पढ़ा था डेल्टा वी इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ, या फिर आई इक्वल्स टू डेल्टा वी बाई आर। दैट मीन्स कि आई यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट है, तो उसी का एनालॉगस इक्वेशन हो जाएगा हीट करंट इक्वल टू डेल्टा वी। पोटेंशियल डिफरेंस है, तो यहाँ पर डेल्टा थीटा टेम्परेचर डिफरेंस होगा। वहाँ पे आर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आर थर्मल रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला होता है हीट करंट का, जो कि यहाँ पे आई ए आई बी लिखा है, ये हीट करंट है, या फिर रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी कह सकते हो। तो बेसिकली अगर फर्स्ट कंडीशन में देखेंगे, हाँ, आर का फॉर्मूला होता है एल बाई के ए, थर्मल रेजिस्टेंस होता है एल बाई के ए। तो अगर फर्स्ट कंडीशन में देखेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा आर वन प्लस आर टू, और सेकेंड कंडीशन में टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा पैरेलल में आर वन आर टू डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू। तो ये जो आर वन है, ये हो जाएगा लेंथ दोनों का सेम होगा क्योंकि इनका डायमेंशन सेम है। तो एल बाई के इंटू एरिया प्लस एल बाई के इंटू एरिया। ये हमने देख लिया कि डायमेंशन सेम होने की वजह से लेंथ और एरिया को सेम रखा हमने। तो ये अगर इसको अगर हम आर लिखते हैं तो ये तो आर बाई टू कहलाएगा। तो आर प्लस आर बाई टू क्या हो जाएगा, थ्री आर बाई टू। सेम उसी तरह से यहाँ लिखो, आर वन को हम क्या कह रहे हैं, आर, आर टू को क्या कह रहे हैं, आर बाई टू। तो आर प्लस आर बाई टू इस तरह से हमने मान लिया। तो एक्चुअल में यहाँ पे हमारा आर एस निकला है, ये आर एस इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू हो गया। आर वन का वैल्यू एल बाई के, जिसको आर मान लिया, तो एल बाई टू के ए हो जाएगा आर टू, जिसका जिसको आर बाई टू बोल सकते हैं। तो ये आर इंटू आर बाई टू हो गया, और नीचे हो जाएगा थ्री आर बाई टू। आर बाई टू कैंसल, तो ये आर बाई थ्री आ गया। अब यहाँ पर हमारा जो हीट करेंट है, क्योंकि दोनों एंड्स के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस पहले जितना है बाद में भी उतना ही है, तो एच यहाँ पे हीट करेंट या रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। देयरफोर हम कह सकते हैं एच इन द फर्स्ट कंडीशन अपॉन एच इन द सेकेंड कंडीशन इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इन द सेकेंड बाय रेजिस्टेंस इन द फर्स्ट, रेसिप्रोकल है। तो यहाँ पे आर बी का वैल्यू, मतलब सेकेंड कंडीशन में कितना आया, आर थ्री आया, और फर्स्ट कंडीशन में कितना आया, थ्री आर बाई टू आया। तो एच ए बाई एच बी इक्वल टू क्या आ रहा है, देखो वो आर कैंसिल हो जाएगा, वन बाई थ्री, और नीचे से टू बाई थ्री, सो टू बाई नाइन। तो टू बाई नाइन ये फोर्थ ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।